हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पेपर हैकर यूट्यूब चैनल में। मैं हरमिंद्र कुमार लेकर आया हूँ बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर। बच्चों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। तो बच्चों, आज पढ़ते हैं, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह है ट्रांजिस्टर के विन्यासों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी जो ट्रांजिस्टर सर्किट होते हैं उनके जो कॉन्ग्यूरेशंस होते हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक दिशा में संग्राहक धारा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बच्चों, संग्राहक धारा का हमें इसके साथ साथ व्यंजक भी उत्पन्न करना होगा, व्युत्पन्न करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इसका आंसर। ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, ये जो EVC है, ठीक है, यही ट्रांजिस्टर है EVC। इसमें बच्चों तीन टर्मिनल होते हैं। ठीक है, नंबर एक होता है उत्सर्जक, जिसे कहते हैं हम इमीटर। ठीक है, जिसे हम ई से शो करते हैं बच्चों। चित्र में आप देख सकते हैं ये जो ई है यही हमारा उत्सर्जक है। ठीक है, यानी इमीटर। और बच्चों, नंबर दो पर आता है आधार यानी बेस। ठीक है, और नंबर तीन पर होता है कलेक्टर, जिसे हम हिंदी भाषा में संग्राहक भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये संग्राहक हो जाएगा हमारा और ये आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो किसी ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल होते हैं, तीन भाग होते हैं। नंबर एक इमीटर, नंबर दो आधार यानी बेस, और नंबर तीन कलेक्टर यानी संग्राहक। ठीक है, देखते हैं बच्चों अगले। इसमें जब किसी ट्रांजिस्टर को सर्किट से जोड़ा जाता है तब चार टर्मिनल यानी टू इनपुट्स और टू आउटपुट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब किसी ट्रांजिस्टर को बेटा किसी सर्किट से जब जोड़ा जाता है तो हमेशा ध्यान रखिए कि दो इनपुट्स और दो आउटपुट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस कठिनाई को दूर करने के लिए ट्रांजिस्टर के टर्मिनल को इनपुट्स व आउटपुट्स, इनपुट्स व आउटपुट दोनों सर्किट्स से उभयनिष्ठ यानी कॉमन जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके बच्चों सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं, फिर मैं चित्र में भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, जबकि इनपुट्स को उभयनिष्ठ टर्मिनल तथा दो में से एक टर्मिनल के मध्य जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जबकि जो आउटपुट होता है आउटपुट को उभयनिष्ठ टर्मिनल तथा शेष टर्मिनल के मध्य जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके अनुसार ट्रांजिस्टर के तीन प्रकार के परिपथ हो सकते हैं बच्चों। जो सर्किट्स हैं, नंबर ऑफ सर्किट्स, वो थ्री टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, नंबर वन है उभयनिष्ठ बेस, कॉमन बेस, जिसे हम सी भी कहते हैं। ठीक है, और नंबर टू पर आता है बच्चों उभयनिष्ठ उत्सर्जक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन इमीटर यानी CE। और नंबर थ्री पर आता है उभयनिष्ठ कलेक्टर यानी CC, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, उभयनिष्ठ शब्द का अर्थ है यहाँ कि ट्रांजिस्टर के एक टर्मिनल को निवेशी व निर्गत दोनों परिपथों से उभयनिष्ठ कर दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो शब्द आ रहा है बार बार उभयनिष्ठ यानी कॉमन, उसका अर्थ होगा कि जो इनपुट्स और आउटपुट्स हैं दोनों सर्किटों को उभयनिष्ठ कर दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हैं जो चित्र है उसमें ये जो ई है वो हमारा इमीटर हो गया, सी कलेक्टर है, बी जो है वो बेस है। ठीक है, तो ई उत्सर्जक, बी आधार और सी संग्राहक है। ठीक है, ई को हम इनपुट सिग्नल देते हैं। ठीक है, बी को भी हम इससे जोड़ देते हैं। ठीक है, और सी को हम इस तरीके से आउटपुट से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो PNP CV कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब बच्चों आप देख सकते हैं इसके नेक्स्ट जो आंसर है उसमें उभयनिष्ठ टर्मिनल को सामान्यतः भूसंकरपित या ग्राउंडेड कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, जो उभयनिष्ठ टर्मिनल होता है, ठीक है, उभयनिष्ठ टर्मिनल को हम क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं, उसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसीलिए इन तीनों क्रियाविधि को क्रमशः ग्राउंडेड बेस, ग्राउंडेड एमिटर या ग्राउंडेड कलेक्टर रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो बच्चों
जब हम वहनिष्ठ टर्मिनल को, ठीक है, जब हम वहनिष्ठ टर्मिनल को ग्राउंडेड कर देंगे तो बच्चों इससे जो वर्क मेथड होगा वो तीन प्रकार से जाना जाएगा हमारा, एक नंबर एक ग्राउंडेड बेस, नंबर टू ग्राउंडेड एमीटर और नंबर तीन ग्राउंडेड कलेक्टर। ठीक है, प्रत्येक संरूपण की विशेष लाभ व हानियाँ होती हैं। तीनों में से प्रत्येक संरूपण में एमीटर को सदैव, ठीक है, अग्र अभिनत यानी फॉरवर्ड बेस तथा कलेक्टर को सदैव उत्क्रम अभिनत यानी रिजर्व बेस रखा जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा कि जो ट्रांजिस्टर होता है वह क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों ट्रांजिस्टर जो है वो तीन प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, नंबर एक वहनिष्ठ बेस यानी CB, नंबर टू वहनिष्ठ उत्सर्जक यानी CE और नंबर तीन वहनिष्ठ कलेक्टर यानी CC। ठीक है, तो अभी हमने ट्रांजिस्टर जो सर्किट होता है उसके बारे में पढ़ा। बच्चों अगले बढ़ते हैं, जो नंबर एक जो हमारा क्रियाविधि है उसमें नंबर एक था हमारा वहनिष्ठ बेस संरूपण यानी कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन जो क्या है। तो बच्चों देखते हैं इसमें संरूपण में बेस को निवेशी यानी इनपुट तथा निर्गत परिपथों के साथ वहनिष्ठ कॉमन रखा जाता है। ठीक है, निवेशी सिग्नल को बेस तथा एमीटर के मध्य लगाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है बच्चों, तथा निर्गत सिग्नल को बेस तथा कलेक्टर के मध्य लगे लोड प्रतिरोध के समांतर प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जो पिक्चर नंबर एक ए है उसमें देख सकते हैं बच्चों, पिक्चर नंबर जो ए है उसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, और पिक्चर नंबर बी में भी हम इस क्रियाविधि को देख सकते हैं। ठीक है, क्या होता है बच्चों फिर अगले, क्रमशः PNP तथा NPN ट्रांजिस्टरों को वहनिष्ठ बेस समायोजन से प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक समायोजन में अमीटर बेस संधि को अग्र अभिनत यानी फॉरवर्ड बेस तथा बेस कलेक्टर संधि को रिजर्व बेस किया गया है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, अब बच्चे बढ़ते हैं धारा प्रबंधन गुणांक क्या होता है। ठीक है, धारा प्रबंधन गुणांक के हम बारे में पढ़ेंगे, यानी जैसे हम कहते हैं बच्चों करंट एप्लीकेशन फैक्टर क्या होता है। तो बच्चों देखते हैं वहनिष्ठ बेस में संरूपण में तथा नियत कलेक्टर बेस वोल्टेज यानी BCB पर कलेक्टर धारा में परिवर्तन डेल्टा IC के साथ साथ अमीटर धारा में परिवर्तन यानी डेल्टा IE के अनुपात को AC धारा का प्रबंधन गुणांक कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ सकते हैं बच्चों, जो करंट एप्लीफिकेशन फैक्टर होता है वह क्या है। फिर से समझ सकते हैं बच्चों, जो हमारे जो कलेक्टर धारा है, ठीक है, और जो हमारे उत्सर्जक धारा है, ठीक है, उनसे हम AC जो करंट एप्लीफिकेशन फैक्टर है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जो हमारी कलेक्टर बेस विभव होता है, ठीक है, चित्र में भी देख सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं कलेक्टर बेस विभव यानी BCB, ठीक है, तथा कलेक्टर धारा परिवर्तन डेल्टा IC। ठीक है, ध्यान दें बच्चों, जो कलेक्टर धारा है, ठीक है, जो संग्राहक धारा में जो परिवर्तन होगा डेल्टा IC होगा। ठीक है, डेल्टा IC और जो उत्सर्जक धारा में परिवर्तन होगा, ठीक है, अगर हम उसका अनुपात निकालें तो उसके अनुपात और जो BCB है, ठीक है, उसकी यदि हम गुणा करें तो बच्चों हमें धारा प्रबंधन गुणांक यानी करंट एप्लीकेशन फैक्टर प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, जो हमारा अल्फा है यानी जो धारा प्रबंधन गुणांक है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं वो भी समझ सकते हैं हम। जो अल्फा का मान है वो सदैव एक से कम होता है। ठीक है, अल्फा का मान सदैव एक से कम होता है, इसका मान बेस धारा के घटने पर अधिक हो जाता है। ठीक है, यदि हम बेस धारा घटा दें तो जो हमारा अल्फा है उसका मान अधिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने कक्षा 12 में पढ़ा है बच्चों कि डेल्टा आई ई बराबर होता है डेल्टा IB प्लस IC। यदि आधार धारा को हम घटा दें, ठीक है, बेस धारा को अगर घटा दें तो
तो बच्चों जो आईसी है उसका मान अधिक हो जाएगा, और जब आईसी का मान अधिक हो जाएगा तो सूत्र के अनुसार जो हमारा फार्मूला है उसके अनुसार जो अल्फा है उसका मान अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं बच्चों। अल्फा का मान एक से कम रखने के लिए बेस क्षेत्र को पतला बनाया जाता है। बच्चों यही कारण है क्योंकि तो अल्फा का मान अगर हमें एक मतलब एक से कम रखना है तो क्या कर देते हैं, जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो बेस क्षेत्र होता है, जो आधार होता है, उसे हम पतला बना देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो आधार धारा है वह कम प्राप्त होगी, और जब आधार धारा कम प्राप्त होगी तो जो आईसी है हमारी, यानी जो उत्सर्जक धारा है, ठीक है, उससे क्या होगा, उसका मान बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि संग्राहक धारा का भी मान बढ़ेगा। ठीक है, तथा बेस से कम माध्यित यानी लाइटली डोपिट किया जाता है, अल्फा का प्रायोगिक मान 0.9 तथा 0.99 के मध्य होता है। ठीक है बच्चों, जो हमारा धारा प्रवर्धन गुणांक है मतलब करंट एप्लीकेशन फैक्टर जो है उसका जो मान होता है, वैल्यू होती है, वो 0.9 से 0.99 के मध्य होता है। ठीक है, नंबर टू पर आते हैं बच्चों, कलेक्टर यानी बेस धारा व बेस धारा। तो बच्चों पढ़ते हैं इसके बारे में, वहनिष्ठ बेस संरूपण में कलेक्टर धारा दो भागों से मिलकर बनती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो वहनिष्ठ बेस संरूपण में जो कलेक्टर धारा होती है, ठीक है, यानी जो संग्राहक धारा होती है वो दो भागों से मिलकर बनती है। नंबर वन, अमीटर से कलेक्टर की ओर बहुसंख्यक आवेशों के प्रवाह के कारण प्राप्त धारा अर्थात जो आई ई है, ठीक है, अल्फा आई ई हमारी जो होगी वह आई सी के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों इस सूत्र में था कि अल्फा बराबर डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, डेल्टा आई ई की जब अल्फा से गुणा करेंगे तो बच्चों डेल्टा आई सी प्राप्त होगा। तो नंबर वन में यही समझाया गया है कि जो हमारी जो कलेक्टर धारा होती है वो अल्फा इंटू आई ई के बराबर होती है। ठीक है, नंबर टू देखते हैं बच्चों, वेस कलेक्टर संधि को रिजर्व वेस करने पर अल्पसंख्यक आवेश वाहक मतलब चार्ज कैरियर्स होते हैं के प्रवाह के कारण प्राप्त लीकेज धारा लीकेज करंट अल्फा आई ई से बहुत कम होती है। ठीक है, तो बच्चों हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं मैथ में कि कुल कलेक्टर धारा यानी टोटल जो कलेक्टर करंट होता है आई सी बराबर वह होगा अल्फा आई ई प्लस आई लीकेज, मतलब जो लीकेज करंट होता है वह भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, चित्र में आप देख सकते हैं चित्र ए और चित्र बी। ठीक है, अगले देखते हैं बच्चों इसे, यदि जो उत्सर्जक परिपथ होता है, ठीक है, जो जो हमारा उत्सर्जक परिपथ है यदि वह ओपन है, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारी आई ई होगी वह जीरो होगा तथा आई सी जो होगा वो आई लीकेज के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी चित्र में पढ़ा कि आई सी इक्वल्स होता है अल्फा आई ई प्लस आई लीकेज। ठीक है, तो बच्चों जब आई ई का मान जीरो होगा तो आई सी जो है वो आई लीकेज के बराबर होगी। ठीक है, तथा जो कलेक्टर परिपथ है, कलेक्टर जो सर्किट है में कुल धारा प्रवाहित होती रहेगी, इस प्रकार की लीकेज धारा आई लीकेज को आई सी बी ओ से व्यक्त करते हैं। आई सी ओ का अर्थ है कलेक्टर बेस धारा जबकि उत्सर्जक खुला हो। ठीक है, तो आई सी इक्वल्स अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ। ठीक है, तो बच्चों जो लीकेज धारा होगी वह आई सी बी ओ बहुत छोटी होगी अल्फा आई ई की तुलना में, इसलिए आई सी बी ओ को नगण्य माना जाता है। ठीक है बच्चों, जो लीकेज धारा है हम उसे नगण्य मान सकते हैं, इसलिए बच्चों क्या होगा, जो आई सी होगा वो लगभग बराबर मान सकते हैं अल्फा आई ई। हम जानते हैं आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, फिर इससे हम बेस धारा निकाल सकते हैं, आई बी बराबर आई ई माइनस आई सी इक्वल्स आई ई माइनस अल्फा आई ई। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा आई बी इक्वल्स वन माइनस अल्फा आई ई। ठीक है, नंबर टू पर आते हैं बच्चों, नंबर टू है वैनिष्ठ उत्सर्जक संसरूपण यानी कॉमन इमिटर
कॉन्फिग्रेशंस क्या होते हैं। बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें अमीटर को इनपुट तथा आउटपुट सर्किट के साथ ओवेनिस्ट रखा जाता है, कॉमन रखा जाता है। जिससे क्या होता है बच्चों, जो इनपुट सिग्नल होते हैं, ठीक है, इनपुट सिग्नल जो है वो बेस से जुड़े आते हैं तथा अमीटर के मध्य लगा दिया जाता है, ठीक है, तथा इन जो आउटपुट सिग्नल होता है, आउटपुट सिग्नल को बच्चों हमें किससे जोड़ना होगा, फिर अमीटर से, ठीक है, तथा जो कलेक्टर होता है के मध्य लगे लोड प्रतिरोध के समांतर प्राप्त करते हैं, ठीक है, जैसा कि बच्चों हम चित्र ए और बी में देख सकते हैं, ठीक है। में क्रमशः पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टरों को कॉमन समायोजन में प्रदर्शित किया गया है। ओवेनिस्ट एमिटर सर्किट में कलेक्टर करंट को बेस करंट नियंत्रित कर दिया जाता है, ना कि एमिटर धारा द्वारा, ये बात हमें ध्यान देनी होगी, ठीक है। बच्चों अगले बढ़ते हैं, अगला है हमारा धारा प्रबंधन गुणांक क्या है, ठीक है, करंट एप्लीकेशन फैक्टर इस बारे में क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ओवेनिस्ट मीटर संस्रूपण में, ठीक है, जो हमारा जो कलेक्टर करंट होता है और जो बेस करंट होता है, जब हम उसका अनुपात निकालते हैं, ठीक है, तो जो अनुपात निकल के आता है और उस अनुपात का जब हम गुणा बी सी ई यानी कलेक्टर एमिटर विभव से कर देते हैं, तो बच्चों हमें धारा प्रवर्धन गुणांक प्राप्त होता है, ठीक है। और बच्चों जो धारा प्रवर्धन गुणांक है, इसका मान इस स्थिति में 20 से 500 के मध्य होता है, ठीक है, ठीक है। इस संस्रूपण का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा धारा लाभ व विभव लाभ अच्छा होता है, ठीक है। नंबर टू पर आते हैं बच्चों, अल्फा व बीटा में संबंध, ठीक है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, हम जानते हैं कि आई ई इक्वल्स होता है आई वी प्लस आई सी, ठीक है। यहाँ से हम आई बी की वैल्यू निकालें तो बच्चों हो जाएगा डेल्टा आई बी इक्वल्स डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी, ठीक है। हम डेल्टा आई बी के मान को समीकरण एक में रख देंगे, ठीक है। तो जब हम समीकरण एक में जब वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा बीटा इक्वल्स डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी, ठीक है। उपरोक्त के आरएचएस के अंश व हर को डेल्टा आई से भाग दे देंगे, ठीक है। बच्चों हम इसे डेल्टा आई ई से जब भाग करेंगे तो हो जाएगा बीटा इक्वल्स डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई वन माइनस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों, आप जानते ही हैं कि जो अल्फा इक्वल्स होता है वो होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, जो बीटा है वो इक्वल्स हो जाएगा अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, ठीक है। तो बच्चों ये अल्फा और बीटा में हमारा संबंध हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। बच्चों ये जो अल्फा व बीटा के मध्य संबंध है, स्पष्ट है कि अल्फा एक पर बी अनंत हो जाएगा। यदि हम अल्फा का मान एक रख देंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, जिससे बीटा क्या हो जाएगा हमारा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में ओवेनिस्ट उत्सर्जक संस्रूपण में धारा लाभ बहुत अधिक होता है, इसी कारण इस संस्रूपण का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में सर्वाधिक किया जाता है, ठीक है। नंबर थ्री पर आते हैं बच्चों, नंबर थ्री है कलेक्टर तथा बेस धारा यानी कलेक्टर करंट। ओवेनिस्ट उत्सर्जक संस्रूपण में बेस धारा आई वी निवेशी धारा है तथा कलेक्टर धारा आई सी निर्गत धारा है, ठीक है। वी नाउ डेट आई ई इक्वल्स आई वी प्लस आई सी एंड आई सी इक्वल्स अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ, ठीक है। जिससे क्या होगा बच्चों, जो इक्वेशन नंबर सिक्स है से आई ई का मान हम इक्वेशन नंबर सेवन में पुट कर देंगे, तो क्या होगा बच्चों, आई सी इक्वल्स अल्फा आई बी प्लस आई सी प्लस आई सी बी ओ प्राप्त होगा, ठीक है। या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं बच्चों, जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो आई सी इंटू वन माइनस अल्फा इक्वल्स अल्फा आई बी प्लस आई सी बी ओ हमारा सॉल्विंग प्राप्त होगी, ठीक है। अगले देखते हैं, जब इसे हम और सॉल्व करेंगे बच्चों,
तो ये हो जाएगा आई सी इक्वल्स एल्फा अपॉन वन माइनस एल्फा आई वी प्लस वन अपॉन वन माइनस एल्फा आई सी बी ओ, ये इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी। ठीक है, यदि बेस सर्किट ओपन हो तब आई बी इक्वल्स 0, इसीलिए जो इक्वेशन नंबर 8 है बच्चों उसे क्या होगा, आई सी इक्वल्स हो जाएगा हमारा आई सी बी ओ वन माइनस एल्फा, ये इक्वेशन नंबर 9 हो जाएगी। बच्चों इक्वेशन नंबर 9 तब प्राप्त किया है हमने जब आई वी को हमने 0 के इक्वल्स माना है। ठीक है, और बच्चों 0 के इक्वल्स तभी होगा जब ये जो बेस सर्किट होगा वो ओपन माना जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन आई सी ओ तथा आई सी बी ओ के मध्य संबंध को दर्शाती है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 में जो इक्वेशन नंबर 5 है वह जो 9 है बच्चों, जब हम उनका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, आई सी इक्वल्स हो जाएगा हमारा बीटा इंटू आई वी प्लस आई सी ई ओ। ठीक है, और बच्चों ये जो रिलेशन प्राप्त होगा हम इस रिलेशन को इक्वेशन नंबर 10 नाम दे देंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, अतः उभयनिष्ठ उत्सर्जक संस्रूपण में उत्सर्जक आधार संधि फॉरवर्ड बेस कलेक्टर आधार संधि रिजर्व बेस होती है। ठीक है, तथा कलेक्टर धारा आईसी दो भागों का योग होती है। जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी है उन इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ नंबर 1। ठीक है, अब इससे जो निष्कर्ष निकले वो दो निष्कर्ष निकलते हैं बच्चों। नंबर 1 क्या है, जो उत्सर्जक धारा है, ठीक है, उत्सर्जक जो धारा है आई ई यानी जो एमिटर जो करंट है हमारा का एक भाग जो कलेक्टर पर पहुंचता है। ठीक है, तो बच्चों पहला निष्कर्ष यही है कि आई ई का एक भाग कलेक्टर यानी सी पर पहुंचता है। और बच्चों नंबर 2 निष्कर्ष इससे निकलता है, जो कलेक्टर उत्सर्जक लीकेज धारा आई सी ई जो होती है वो 0 के बराबर हम मान लेते हैं। ठीक है, बी पर आ जाते हैं बच्चों, हमारा जो आधार धारा है यानी जो बेस करंट है उसके बारे में। बच्चों हम जानते हैं कि जो आई वी बराबर होता है आई ई माइनस आई सी। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन में हम जो इक्वेशन नंबर 10 है उसका जब हम यूज कर देंगे तो बच्चों हो जाएगा आई वी इक्वल्स आई ई माइनस बीटा आई आई वी प्लस आई सी ई ओ। ठीक है, या आई वी वन प्लस बीटा इक्वल्स आई ई प्लस आई सी ओ। ठीक है, और बच्चों जो हमारा जो बेस करंट होगा फिर वो हो जाएगा हमारा आई वी इक्वल्स वन अपॉन वन प्लस बीटा आई ई प्लस वन अपॉन वन प्लस बीटा आई सी ई ओ। ठीक है बच्चों, ये तो रहे हमारे बेस करंट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास है यानी कॉमन कलेक्टर जो कॉन्फिग्रेशन है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें जो कलेक्टर होता है, ठीक है, उसको जो इनपुट्स तथा जो आउटपुट्स सर्किट्स के साथ उभयनिष्ठ में रखा जाता है। ठीक है, कॉमन रखे जाते हैं। तो बच्चों इनपुट सिग्नल को बेस तथा जो कलेक्टर के मध्य लगा दिया जाता है तथा जो आउटपुट सिग्नल है को उत्सर्जक तथा कलेक्टर के मध्य लगे लोड प्रतिरोध के समांतर प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसा कि बच्चों हम चित्र ए में देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ई है मीटर उसे हमने लोड प्रतिरोध से जोड़ दिया है, जो कलेक्टर यानी जो सी है उसे हमने बैटरी से, ठीक है, बी ई ई और बी बी से, और इधर जो आधार है उसे हमने इनपुट से जोड़ दिया है। ठीक है, तो बच्चों क्रमशः पी एन पी तथा एन पी एन जो ट्रांजिस्टर हैं उनका जो उभयनिष्ठ जो कलेक्टर होगा वो समायोजन प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है बच्चों, इस स्थिति में भी हम धारा परिवर्तन गुणांक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, एक नियत यानी एक कांस्टेंट उत्सर्जक कलेक्टर विभव बी सी ई पर उत्सर्जक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई ई के साथ बेस धारा में परिवर्तन डेल्टा आई वी के अनुपात को धारा परिवर्तन गुणांक यानी गामा कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों गामा बराबर हो जाएगा डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई वी इंटू बी ई सी। ठीक है, और बच्चों इसे हम कांस्टेंट मान लेते हैं।
नंबर थ्री जो नंबर टू है वो है हमारा कलेक्टर करंट, ठीक है। तो नंबर टू हो जाएगा बच्चों आई सी इक्वल्स एल्फा आई ई प्लस आई सी वी ओ। एंड इससे क्या होगा बच्चों, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आई ई इक्वल्स आई वी प्लस एल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ प्राप्त होगा बच्चों, जिसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आई ई इंटू वन माइनस एल्फा इक्वल्स आई वी प्लस आई सी बी, ठीक है बच्चों। फिर ये अगले जब इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आई ई वन माइनस एल्फा इक्वल्स आई वी प्लस आई सी बी ओ, ठीक है। और बच्चों जब हम वन माइनस एल्फा को जब अपॉन में ले जाएंगे तो बच्चों हो जाएगा आई ई इक्वल्स आई वी वन माइनस एल्फा प्लस वन अप माइनस एल्फा आई सी बी ओ, ठीक है। और बच्चों हम जानते हैं, हमने पीछे भी पढ़ लिया है कि जो बीटा होता है, बीटा और एल्फा में जो रिलेशन होता है वो होता है बीटा इक्वल्स एल्फा अपॉन वन माइनस एल्फा। तो वहाँ से जब इसकी वैल्यू लगाएंगे तो बच्चों वन अपॉन वन माइनस एल्फा बराबर होगा बीटा प्लस वन, ठीक है। तो बच्चों आई ई इक्वल्स हो जाएगा बीटा प्लस वन आई वी प्लस बीटा प्लस वन आई सी बी ओ, ठीक है। यदि बेस सर्किट ओपन हो तो बच्चों आई वी इक्वल्स हो जाएगा जीरो। इसीलिए जो इक्वेशन नंबर थ्री है उससे क्या होगा बच्चों, आई ई इक्वल्स हो जाएगा बीटा प्लस वन आई सी बी ओ, ठीक है बच्चों। ये लीकेज धारा होती है, ठीक है, तथा इसे आई सी ई ओ से व्यक्त किया जाता है। पीछे भी हमने पढ़ा है बच्चों लीकेज धारा, ठीक है। और बच्चों क्या होगा फिर, जो लीकेज धारा होगी आई सी ओ इक्वल्स होगी बीटा प्लस वन आई सी बी ओ। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स में अवश्य बताइए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।